हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक मीणा और आपके लिए लेके आया हूं फिर से एक नई वीडियो। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों वीडियो बुरी लगे तो मुझे कमेंट में बता देना ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूं। तो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों वैसे मैं VIP तो हूँ नहीं जो आप मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करोगे, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। हेलो दोस्तों, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब तो यूज करते ही होंगे, लेकिन जो लोग अमीर होते हैं वो एक फोटो डालते हैं एक कार के साथ या एक बंगले के साथ, तो उसमें मात्र इतना सा टॉपिक लगा होता है कि माई न्यू कार या न्यू बाइक या न्यू बंगला। उस फोटो को वायरल होने में कम से कम 10-15 मिनट लग जाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है अपनी वीडियो वायरल होने में, वायरल तो दूर की बात है, कम से कम 100 सदस्य देखने में लगभग हफ्ते महीने साल गुजर जाता है। तो दोस्तों वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं कि ऐसा अपने साथ क्यों होता है। तो दोस्तों कुछ ऐसा है क्योंकि उनके पास पैसा है। तो दोस्तों वो हर रोज तो नई नई कारें खरीद सकते हैं और नई नई बंगले। तो दोस्तों आपने कभी किसी अमीर के पास कोई कमेंट तो किया ही होगा, लेकिन उधर से कोई रिप्लाई आया है 1 साल या 2 साल या 5 साल में भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जो हमारे पीछे का बैकग्राउंड है वो साफ बताता है कि क्योंकि हम गांव वाले हैं। जो हमारे शरीर पे कपड़े हैं ये साफ बताते हैं क्योंकि हम गरीब हैं। तो दोस्तों वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों अपने पास कम से कम 10-15 हजार रुपए का फोन रहता है और उसके लिए वीडियो बनाने के लिए ना कोई स्टैंड। तो दोस्तों स्टैंड की जगह तो हम कोई सी भी जगह सेलेक्ट कर लेते हैं, कैसे भी करके फोन को सेट कर देते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। और दोस्तों एक कमी ये अपनी वीडियो में पूरी की पूरी, जैसे ये पीछे का बैकग्राउंड है ये कभी चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अपने पास कोई पैसा नहीं है और घूमने के लिए कोई बाइक भी नहीं है, तो हम पीछे का बैकग्राउंड कहाँ से लाए? तो दोस्तों हम हैं गांव वाले, तो गांव वालों का बैकग्राउंड तो आपको पता ही होगा कि जैसे कोई सी भी जगह ले लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे गांव की हरियाली जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चलो दोस्तों आपको हमारी गांव की हरियाली कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हरियाली के लिए एक लाइक तो कर ही सकते हो। तो दोस्तों आप वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं आगे। तो दोस्तों जब हम शोरूम पे जाते हैं एक स्प्लेंडर खरीदने के लिए, तो क्या नाम से उसकी प्राइस कम से कम 80 और 90 हजार के बीच में होती है, लेकिन फिर भी हम उसे कैश में क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि हम गरीब हैं। तो दोस्तों हम बाइक को खरीदते हैं फाइनेंस के जरिए। तो दोस्तों वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों एक स्प्लेंडर जब हम फाइनेंस के जरिए खरीदते हैं तो उसकी किस्तें कम से कम 3 साल तक की हो जाती है और उसकी हर एक किस्त 2,2200 तक की होती है, तब जाके वो बाइक हमारी होती है, वो भी 3 साल बाद। तो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं आगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों इस वीडियो में कोई गलती हुई हो तो मुझे जरूर बताना कमेंट में ताकि मैं अगली वीडियो में कोई गलती ना कर सकूं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।